गुड मॉर्निंग एंड जैन स्टन, वेलकम अगेन इन पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन क्लासेस। इन दिस वीडियो वी डिस्कस क्लास 12th चैप्टर 8th इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आप सोच रहे होंगे कि पॉलिटिकल साइंस जैसे चैप्टर में इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम क्या डिस्कस करें। सो फर्स्टली environmental and natural resources examine the growing significance of the environmental as well as resources issue in world politics because किसी भी country का development या कोई भी country चाहे वो developing है चाहे developed country है उन दोनों का base होता है वहाँ के natural resources वहाँ के environment so इसी से किसी भी country की politics पे उसका बहुत बड़ा effect पड़ता है। तो इस chapter में हम इसी बारे में discuss करेंगे कि किसी भी country की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे उन कंट्री की कंडीशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है और ये जो प्रॉब्लम है ये किसी वन कंट्री की नहीं है, पूरे ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली एनवायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, फर्स्टली डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, एसेस ऑफ वाटर, नेचुरल फॉरेस्ट, ओजोन होल एंड कोस्टल पोल्यूशन। सो देखिए मैंने इसको 5 टाइप में आपको डिवाइड किया है। प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, ग्लोबल कॉमन्स मीन्स लैंड। सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड मीन्स आज हम देखते हैं कि आसपास जितने भी अगर हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी को खो चुकी है, वहाँ लॉस ऑफ फर्टिलिटी है। सो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, सो एग्रीकल्चर लैंड इज़ लॉसिंग फर्टिलिटी और इसी रीज़न से अगर किसी कंट्री की जो एग्रीकल्चर लैंड होगी अगर फर्टिलिटी अपनी खो देगी तो सबसे मेन प्रॉब्लम वहाँ क्या हो जाएगी, फूड की प्रॉब्लम। उसके मेन रिसोर्सेज वहाँ की खेती होती है और अगर कोई कंट्री में एग्रीकल्चर मीन्स खेती कोई लैंड अपनी फर्टिलिटी खो देती है तो वहाँ पर पॉसिबल है कि वहाँ पर प्रोडक्शन भी कम होगा। नेक्स्ट है वाटर, द ड्रिंकिंग वाटर एंड कोस्टल पोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलप रिपोर्ट 2016 ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 663 मिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव नो एसेस टू सेफ वाटर एंड 2.4 बिलियन हैव नो एसेस टू सैनिटेशन एंड रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ मोर देन 3 मिलियन चिल्ड्रन एवरी ईयर। एक 2016 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज हर पूरे वर्ल्ड में 3 मिलियन बच्चे केवल सेफ क्लीन वाटर ना मिलने के कारण मर जाते हैं क्योंकि उनको प्योर क्लीन वाटर नहीं मिल पाता। और ये किस रीज़न से होता है, बिकॉज आज हमारी फैक्ट्रियों से हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों से और जो हम रिवर्स में या वर्क करते हैं तो उसका जो जो गंदगी होती है वो जाके रिवर में मिलती है और ये रीज़न बन जाता है और इस रीज़न से जो उसी वाटर को पब्लिक यूज़ करती है और इससे बहुत सेफ वाटर नहीं मिल पाता। और कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ, क्योंकि किसी कंट्री की अगर ह्यूमन रिसोर्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो उस कंट्री का सारा ध्यान, उसकी पॉलिटिक्स का सारा ध्यान किस पे होगा, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट पे ना होके अपने हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना होगा। नेक्स्ट है एटमोसफेयर, मीन्स एटमोसफेयर में बात करते हैं जो मेन मेन मुद्दे हैं वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के। नेचुरल फॉरेस्ट मीन्स डिफॉरेस्टेशन, आज आए दिन हम देखते हैं कि हम डेवलपमेंट के नाम पे क्या होता है, किस अधिकतर बहुत सारे ट्रीज कट कर दिए जाते हैं और उसके रीज़न से क्या है, द विच हेल्प द सेप्टाइज द क्लाइमेट एंड मॉडरेट वाटर सप्लाइज एंड हार्बर ए मेजोरिटी ऑफ द प्लानट्स एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ लैंड आर बींग कट डाउन एंड पीपल आर बींग डिस्प्लेस एंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंटिन्यूज टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इन एरियाज एंड विच आर रिच इन स्पेसिस। डिफॉरेस्टेशन के कारण कहीं ना कहीं जो वो लैंड होती है वो अपनी उर्वरता खो जाती है, बहुत सारे रीजन से फ्लड का रीज़न बन जाता है, बहुत सारी जगह वाटर की कमी हो जाती है और यही सब मेन रीज़न बनते हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण। एसेस ऑफ वाटर अभी मैं आपको बात ही कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग मीन्स ओजोन डिप्लेक्शन, मीन्स अ स्टडी डिक्लाइन इन द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन द अर्थ
stratosphere, commonly referred to as ozone hole, poses a real danger to ecosystem and human health. आजकल जो भी ग्रीन हाउसेस नाम के ग्रीन हाउसेस होती थी, जो कंपनीज या फैक्ट्रीज में यूज़ होती थी, उसके कारण क्या होता, उसके ज़्यादा यूज़ के कारण जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें एक होल हो गया था, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी. बिकॉज इसके कारण जो वेदर चेंजिंग, बिकॉज गर्मी ज़्यादा पड़ना, ठंड ज़्यादा पड़ना, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, स्किन प्रॉब्लम हो जाना. तो ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो चुकी थी जिससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए थी. नेक्स्ट है कोस्टल पोल्यूशन. हम आए दिन देखते हैं, बिकॉज हम कुछ ही एरिया में वर्ल्ड के, यानी जो अर्थ है उसके कुछ ही एरिया में हम लोग रहते हैं, और जितना पार्ट है वो वाटर का ही है. और ऐसे में जो कोस्टल एरियाज हैं, बिकॉज जहाँ से हम फिशिंग का जो कारोबार होता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है, या फिर और ऐसे एरियाज कहते हैं, वो पूरी तरह से वहाँ पे गंदगी थी, और ये सबसे बड़ा कोस्टल पोल्यूशन सबसे बड़ा रीज़न बना था. कोस्टल पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग ग्लोबली. हेल्थ ऑफ द ओपन सी इज़ रिलेटिवली क्लीन एंड द कोस्टल वाटर्स आर बिकमिंग इंक्रीजली पॉल्यूटेड, लार्जली ड्यू टू लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़. इफ़ अनचेक्ड intensive human settlement of coastal zones across the globe will lead to further deterioration in the quality of marine environment. So, ये 5 reason जो मैंने अभी आपको बताए, means coastal pollution, ozone hole and excess of water and natural forest and space, loss of biodiversity, means ozone, इन सबसे बड़े ये जो 5 reason थे, ये और मैं आपके बोल गए, ये जो मेन 5 रीजन थे, डेक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, एसेस ऑफ वाटर, नेचुरल फॉरेस्ट, ओजोन होल, कोस्टल पोल्यूशन, ये कहीं ना कहीं किसी एक सिंगल कंट्री की प्रॉब्लम नहीं थी. ये जो प्रॉब्लम है ग्लोबली प्रॉब्लम है ना, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, और इसको ये पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अफेक्ट करती है. इसलिए इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन सारी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए क्या क्या वर्क किया गया है. Now thank you student. In next video we discuss the protection of global commons and the commons and the common but differentiate responsibilities and the common property of resources. Thank you. Jai Hind.